A rich man's world. हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीमिंग फाल्कन अगेन। आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन जर्मनी में यूजुअली लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बहुत लाइवली होता है मेन स्क्वेयर्स पे, तो आज वैसे ही हम एक और मेन स्क्वेयर जो है यहाँ का वहाँ जाने वाले हैं। फ्लेंसबर्ग में सुडामार्क्ट करके एक है मार्केट एरिया, है वन ऑफ दी मेन मार्केट्स प्लेस है, और वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो आप अगर देख सकते हो तो मेरे पीछे जो है जो रास्ता है वो सुडामार्क्ट जाता है। तो अब अभी मैं आपको सुडामार्क्ट की तरफ लेके जाता हूँ, और चलिए आज देखते हैं कि सैटरडे के दिन यहाँ पे जर्मनी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मार्केट एरियाज पे क्या क्या होते रहता है। तो चलो गाइस देखते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, अब हम यहाँ पे सुडामार्क्ट में आ गए हैं। ये जो पीछे आपको मेरे स्क्वायर दिख रहा है, ये जगह है सुडामार्क्ट। यूजुअली यहाँ पे ये ट्रक्स जो आपको दिख रही है वैसी होती नहीं है, पर आज सैटरडे है तो लोग शाम को शॉपिंग करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये सब ट्रक्स है, फूड ट्रक्स है, शॉपिंग के ट्रक्स है जो यहाँ पे आएंगे, और वेजिटेबल्स, खाना पीना सब यहाँ पे बिकता है नॉर्मली। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे, मैं आपको अभी पूरा व्यू दे देता हूँ 360 डिग्री कि यहाँ पे कैसा सीन है। फ़िलहाल तो आफ्टरनून है तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, पर जैसे ही शाम होगी तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं हम कैसे होने वाला है यहाँ पे। मैं तो फ़िलहाल ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने का सोच नहीं रहा हूँ, जस्ट एक बार वाइब चेक कर लूँगा, घूम लूँगा थोड़ा। और एक्चुअली आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन ऐसा माना जाता है कि आप एक्चुअली आपके घर पे कुछ चीज़ खरीद के लेके आओ जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो या यूज़ करने वाली चीज़। तो मैं ऐसे ही अभी फ्लेंसबर्ग गैलराई जो है, यहाँ पे मॉल है, वो मॉल में जाके मैं ख़रीदने की सोच रहा हूँ। तो अभी मैं जाके वो ख़रीद लूँगा। बाकी यहाँ पे नॉर्मली इतने लोग दिखते नहीं हैं आपको वीकडेज पे, पर आज काफ़ी लोग हैं। तो गाइस देख लो सुडामार्क्ट। गाइस अभी मैं यहाँ पे आया हूँ फ्लेंसबर्ग गैलराई में। फ्लेंसबर्ग गैलराई यहाँ का एक मॉल है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो शॉपिंग के ये मॉल्स में जैसे शॉपिंग के शॉप्स रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं, वैसे आपको दिखेंगे। और बाहर तो पूरा मार्केट एरिया ही है ये यहाँ पे। और मेरे पीछे एग्जैक्टली देख सकते हो कि मॉल है, मॉल का एंट्रेंस है। तो अंदर जाऊँगा। नॉर्मली यहाँ पे जो फूड स्टोर्स है, वैसे कुछ स्टोर्स है जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है,
और नॉर्मल ग्रोसरीज मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम स्टोर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स वगैरह भी है। नॉर्मल जैसे इंडिया में मॉल्स रहते हैं वैसे ही मॉल्स है, और मॉल्स में पूरा यहाँ पे मतलब आज सैटरडे है तो काफ़ी लोग घूमने फिरने आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो चलो हम लोग भी अंदर जाएंगे, देखते हैं मॉल्स मॉल में क्या क्या है। आपको मॉल दिखा दूंगा पूरा फ्लेंसबर्ग गैलरी का। कर ली है, ये फर्स्ट फ्लोर टाइप है मॉल का। ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे अंडरग्राउंड एक फ्लोर है ये, फिर बेस ग्राउंड लेवल है, फिर ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर भी है और फिर एक और फ्लोर है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, अभी एंट्रेंस पे आप देखोगे तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लोथिंग के सब शॉप्स आपको दिखेंगे। उसके अलावा अगर हम अभी सीधा जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एक मतलब डी मार्ट जैसा स्टोर है नेटो नाम का, तो वहाँ पे आप जाएंगे। फिर एक गिफ्ट शॉप भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि डेकोरेशन और फर्नीचर वगैरह का एक शॉप है, तो वहाँ भी है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ सब खाने पीने का है, सब रेस्टोरेंट्स और अलग अलग है। तो नीचे की मैं पहले जब आया था तो नीचे के फ्लोर में गया था, वहाँ पर मुझे मतलब अलग अलग क्विजींस के शॉप जैसे कि ग्रीक क्विजीन है, इटालियन क्विजीन है, उसके शॉप्स मुझे दिखे थे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वहाँ पे नीचे कैसे है सब, क्या कौन से शॉप्स वगैरह है। तो पहले ये फ्लोर तो है, अभी इतना ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोथिंग के, जैसे मैंने कहा था कि नेटो करके है ग्रोसरी शॉप वो है, और सामने एक गिफ्ट शॉप टाइप है, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ महंगे जो चीज़ें रहती है यूज़ की, वो चीज़ों का शॉप्स है यहाँ पे म्यूलर नाम का। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, देख सकते हो, और ये नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे आपको आपकी डेली नीड्स का सब सामान मिल जाएगा। तो गाइस ये था ग्राउंड फ्लोर, अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है देखने के लिए, घूमने के लिए। तो कौन से शॉप्स है फर्स्ट फ्लोर पे, वो अभी हम लोग चल के देखेंगे। तो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप ऊपर आते हो तो यू कैन सी अ ह्यूज आप यहाँ का सैटिन नाम का स्टोर है, जो इट्स जस्ट लाइक क्रोमा, इधर का क्रोमा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूज इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, आपको सब इलेक्ट्रॉनिक्स दिख मिल जाएंगे। और जैसे ही अभी हम आगे जा रहे हैं तो आगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे टेडी है, टेडी भी एक मतलब ग्रोसरी प्लस आपका डी मार्ट टाइप है, जहाँ पे खिलौने आपको गिफ्ट्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो टेडी यहाँ पे है, टेडी जैसा एक वूलवर करके भी यहाँ पे है, पर वो मॉल में नहीं है, बाहर है। तो यहाँ पे टेडी है फ्लेंसबर्ग गैलरी में। इसके अलावा आगे जैसे ही हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीटिंग एरियाज है जहाँ पे लोग बैठ के अपना खा सकते हैं कुछ। और आगे आप जाओगे तो आगे आपको कल्ट करके एक शॉपिंग के लिए है, मतलब यू कैन बाय थिंग्स हियर। यहाँ पे एक आइसक्रीम पार्लर भी है, तो यहाँ पे क्लोथिंग का सेक्शन है, ये कल्ट करके यहाँ पे जो शॉप है क्लोथिंग के लिए है, तो ये आपको मिल जाएगा। और लेफ्ट साइड में चिल्ड्रंस के लिए खेलने के लिए है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है ऊपर वाले फ्लोर पर, तो इसीलिए अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। नीचे जाके आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा लिया, फर्स्ट फ्लोर पे तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अभी उसके नीचे जो अंडरग्राउंड फ्लोर है वो आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आप खा सकते हो, खाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी।
अलग अलग क्विजीन के रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो रेस्टोरेंट्स कौन से। सो आगे जैसे ही अभी हम जा रहे हैं नीचे वाले फ्लोर पे, तो नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही मैं नीचे एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे किक करके यहाँ पे एक दिख रहा है स्टोर है। अगेन क्लोथिंग का, डेकोरेशंस का वगैरह सब सामान दिख रहा है मुझे, तो ये एक स्टोर है। और अभी हम जा रहे हैं ये मॉल का एक्चुअल जगह जहाँ पे बहुत सारा खाना पीना होते रहता है। तो अभी जैसे ही हम जा रहे हैं, तो आपको देख सकते हैं सेंटर में एक सीटिंग एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एरिया है यहाँ पे। और आपको दिख रहा होगा वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, सो मैकडॉनल्ड्स में आप जाके खा सकते हो खाना। और जैसे ही अभी मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे राइट साइड में ब्रेड और सैंडविचेस का स्टोर है। वहाँ पे मामा मियाँ करके एक इटालियन फूड का रेस्टोरेंट है। फिर यहाँ पे डोनर मतलब जिसे हम इंडिया में हम लोग जैसे इंडिया में कहते हैं शॉर्मा हमें मिलता है, वैसे ही यहाँ पे शॉर्मा को डोनर बोलते हैं, तो उसका रेस्टोरेंट है यहाँ पे। कभी बहुत बार शॉर्मा हमारे को पीटा ब्रेड में मिलता है इंडिया में, यहाँ पे एक पीटा ब्रेड अलग टाइप का रहता है, उसमें भी दिया जाता है काफ़ी बार, या बर्गर वाले ब्रेड में भी कई बार दिया जाता है। तो जैसे ही अभी मैं आगे जा रहा हूँ, तो मामा मियाँ जो इटालियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे कैफ़े है वो आपको दिख जाएगा। राइट साइड पे ग्रीक रेस्टोरेंट है एथीना करके, यहाँ पे ग्रीक डिश मिल जाती है। उसके साइड में आप जैसे देख सकते हो कि एशियन रेस्टोरेंट एक है, और सुशी के लिए आउटलेट है, तो काफ़ी कुछ है। और यहाँ पे करी एक्सप्रेस करके हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे करीज वगैरह मिल जाएंगे, इंडियन क्विजीन के लिए है, तो इंडियन क्विजीन के काफ़ी डिशेज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये था फ्लेंसबर्ग का ग्राउंड फ्लोर। अभी यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे, तो जिस जहाँ से हमने एंटर किया था वो एग्ज़िट नहीं है, ये अलग एग्ज़िट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सैलून है, फिर आपका गिफ्ट का शॉप है, आगे यहाँ पे फ़ोन के लिए आपको शॉप मिलेगा। और जैसे ही आप अभी आगे जा रहे हो, तो ऊपर जाते ही मतलब अभी एस्केलेटर चलते ही आपको राइट साइड में एक मतलब मेडिकल शॉप मिल जाएगा, तो फ्लेंसबर्ग गैलरी का। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है आपके पास, बहुत कुछ था। और छोटा मॉल है, पर इस सिटी में मतलब इंडिया में कैसे बड़े बड़े मॉल्स आपने देखे होंगे मुंबई में वगैरह, वैसे मॉल्स नहीं है, छोटे मॉल्स ही है, पर काफ़ी लाइवली है, बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पे। अभी मैं जस्ट बाहर आ चुका हूँ शॉप के अपना, और मैं मॉल के भी बाहर आ चुका हूँ। अभी मॉल का ये सेकेंड एग्ज़िट है, वो एग्ज़िट के बाहर आके आप देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पे एग्ज़िट के बाहर आ गया हूँ। और अभी मैं इस तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे सुडामार्ट मिलेगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि ये रोड कहाँ जाता है, आई गेस कि ये नॉर्थ स्टार्ट जाता है, जहाँ पे आपको डॉक्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं फ्लेंसबर्ग के। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए तो मुझे बस फ्लेंसबर्ग का आपको मॉल दिखाना था, सुडामार्ट के का एरिया दिखाना था, वो तो मैंने आपको दिखा लिया। तो यही है जो फ्लेंसबर्ग का वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट एरिया में से एक है। ये इकलौता एरिया नहीं है, ऐसे काफ़ी एरियाज आपको सिटी में कहीं जगह पे मिल जाएंगे। ये मेरे घर के बहुत नज़दीक है, मतलब जहाँ पे मेरा मैं रह रहा हूँ वो राठा हाउस के काफ़ी नज़दीक है, और ये सुडामार्ट राठा हाउस के जस्ट पीछे ही है, तो काफ़ी नज़दीक है, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो आज मैंने सोचा आपको ये दिखा देता हूँ। तो गाइस ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और ऐसे ही मैं फ्लेंसबर्ग और उसके आजू बाजू के एरियाज़ के बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, और ज़रूर हम यूरोप टूर पर भी जाएँगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अनटिल देन ड्रीम बिग फ्लाई हाई ड्रीमिंग फाल्कन।